बचाने गई थी वहाँ पे, तो जब मैं मेरे जो पुलिस वाले जो मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्हें लेके आते हैं वापस जेल में बंद कर देते हैं, तो ये किचन का एक सीन है वेरन मैं उसे बता रहा हूँ कि जूही मेरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जूही को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम अवनी जो है वो मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, तो वो मैं समझाने की उसे कोशिश कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोल रहा, और फॉर मी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जिसके साथ मैं अभी रह रहा हूँ विच इज़ अवनी, वो ज़रूरी है, हालांकि जूही जो थी मेरी पास थी, मेरी लाइफ थी पहले, बट नाउ सिंस अवनी इज़ विद मी सो आई थिंक वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है मेरी लाइफ में। पर हाँ, क्योंकि अली और जूही जो है वो रंग महल में फंस चुके हैं और हम लोग बड़े परेशान हैं, बड़े चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से रंग महल में रेड किया जाए, रेड कर नहीं पा रहे बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है और हमको हमें कोई अरेस्ट वारंट या सर्च वारंट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ एज ए कॉप, और अवनी जो हैं ख़ुद सुपर कॉप बन के खुद कहीं वहाँ पे चले जाती हैं, सो मैं उस चक्कर में अलग परेशान हूँ कि कहीं वो अपने अपनी जान खतरे में ना डाल दे। आई थिंक बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है बिकॉज बीच में अवनी अपना भेस बदल के भी जाती है, एक टैक्सी आंटी बन के जाती है और वहाँ से कुछ क्लू इकट्ठे करके लेके आती है जो कि वो मुझे बताती है, एंड इट इज़ काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर मी, और बट मैं फिर से उसे यही बोलता हूँ कि यार तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी बिकॉज जो पुलिस के काम है वो पुलिस ही कर सकती है और वो पुलिस नहीं है, और उसे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए।